आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो टॉपिक है हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भूगर्भिक समय सारणी। क्योंकि पृथ्वी की जब से उत्पत्ति हुई तो उसके बाद बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, तो कौन कौन सी क्रियाएं किस पीरियड में हुई, तो एक जो जनरल जियोलॉजिकल टाइम स्केल दिया गया है तब उसको आपको बताएंगे कि जैसे मुख्य रूप से चार जो है आपके कल्प माने गए, चार युग माने गए, तो उनमें जो उसका पीरियड के हिसाब से वो विभाजन किया गया और फिर कौन कौन सी घटनाएं किस समय हुई। जैसे आपने अभी पढ़ा था कि टर्शियरी पीरियड में जो है माउंटेन्स का निर्माण हुआ, ठीक, जैसे मैदान है हमारे प्लेस्टोसीन में, या अभी भी देखिए कि हमारे जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता रहता है, कंटिन्यू जिसे हम लोग खादर कहते हैं, नदियाँ जो है प्रत्येक वर्ष जो बाढ़ आती है और बाढ़ में जो है अपने साथ अवसादों को लाती है और नदियों के किनारे जमा कर देती है, उससे क्या लगातार जो है कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा है। तो इस तरीके से प्राचीन समय से जब से पृथ्वी का अस्तित्व तो आया, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तो उस कौन कौन सी घटनाएँ घटित होती रही इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है और उसको जो है आप एक टेबल बना लेंगे और पूरे पेज में बनाइए, पूरे पेज में बनेंगे और फिर हम इसको टाइम स्केल टेबल बनाने के बाद कौन सी घटनाएं कब घटित हुई उसको बताते जाएंगे। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल भू गार्भिक समय सारणी। एग्जाम पे आपके पूछा जाता है कि कौन सी घटना जो है कब घटी थी, तो पहला आप बताएंगे कल, हीरा सबसे पहले कल जो आटा गया हीरा, उससे युग इसको हम वो किसी को पीरियड्स में बांटा गया सक्स, और ये कब इसके शुरू होने का समय है, ठीक, बिगनिंग ऑफ टाइम ऑफ द बिगनिंग, प्रारंभ होने का वर्ष। और फिर इधर कौन सी एक्टिविटीज, कौन सी घटनाएं घटित हुई, वो इवेंट्स आपकी जो है इधर रहेंगे। तो इस तरीके से आप इसको बना लें, पहला कॉलम आप बनाएंगे कल, फिर युग, और फिर पीरियड ऑफ प्रारंभ होने का वर्ष, और फिर कौन सी घटनाएं। तो पहले तो नवीन से जो नवीन समय हमारा चल रहा है उससे प्राचीन समय की ओर आपको टेबल बनवाएंगे, लेकिन जब हम आपको इवेंट्स बताएंगे तो जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब हम आपको प्राचीन से नवीन की ओर ले जाएंगे इवेंट्स, और पूरी टेबल में हम आपको नवीन से प्राचीन की ओर बनवाएंगे, और जब इवेंट्स होंगे पहले पूरी टेबल बना लेंगे और फिर कौन कौन सी इवेंट्स हुई तो फिर हम प्राचीन से आज तक आते जाएंगे। तो पहला जो है कल उसको हम लोग नियोजोनिक कहते हैं, और क्या कहते हैं, नियोजोनिक नूतन कल, पहला जो है हमारा नियोजोनिक। ये सबसे नवीन इसको नूतन कल भी कहते हैं, चतुर्थक क्वार्टरनरी युग कहते हैं इसको। इसके दो पीरियड्स हैं,
एक होलोसीन जो नवीन है और दूसरा जो है प्लेस्टोसीन। तो दो जो है इसके पीरियड्स हैं, इसमें दो है, पहला आपका होलोसीन आया आपका प्लेस्टोसीन। होलोसीन के प्रारंभ होने का समय 10,000 वर्ष हो, और प्लेस्टोसीन के समय 10,00,000 वर्ष हो। इसमें क्या यूनिट्स हुई है उसको हम अभी आपको बाद में बताएंगे। ठीक, दूसरा है हमारा सेनोजोइक। सेनोजोइक या इसी को काइनोजोइक इसको हम लोग टर्शियरी युग कहते हैं, तृतीयक युग कहते हैं। इसको हम तृतीयक युग कहते हैं, टर्शियरी युग कहते हैं। ये चतुर्थक युग है और ये टर्शियरी तृतीयक। इसके भी जो पीरियड्स हैं वो चार पीरियड्स में है। ठीक, ओलिगोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और चार यूशी, ओलिगोसीन और मायोसीन और प्लायोसीन। प्लायोसीन का समय जो शुरू होने का वो 1.1 करोड़ वर्ष पूर्व है। इसका जो है प्लायोसीन का वो 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व है। और ओलिगोसीन का है 4 करोड़ वर्ष। और ये है 7.17 करोड़ वर्ष। तो तृतीय युग में आपके चार ईओसीन फिर आपका मेसोजोइक।
सो सोई, जिसे हम लोग द्वितीय क्यों कहते हैं। इसके भी आपके तीन भाग हैं, क्रिटेशियस, जुरैसिक, ट्रैसिक। क्रिटेशियस, जुरैसिक और ट्रैसिक। इसका समय शुरू होने का है 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व। जुरैसिक का है 18 करोड़ वर्ष पूर्व। और ट्रैसिक का है 22.5 फिर चौथा है पैलियोज़ोइक। जिसे हम लोग प्राइमरी प्राथमिक युग कहते हैं। फिर बेटा आएगा नहीं इसमें, दोबारा में फिर आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने इसको लिखा। हम बोल दे रहे हैं, फिर से सुन लीजिएगा एक बार, अभी आप लिख लीजिए फिर हम इसको बोल दें। एक बार आप पूरा कर देना फिर। पहली जो एक ये प्राथमिक युग, ठीक, इसमें छह सबसे लास्ट कैम्ब्री। फिर इसमें पांचवें नंबर पे है आपका ऑर्डोविशियन। फिर है आपका सिलोरियन और ड्यूओडेनम। फिर है कार्बोनिफेरस। आप फिर से सुनिए, पैलियोज़ोइक प्राइमरी इज परमियन नंबर वन पे, परमियन नंबर टू पे कार्बोनिफेरस, नंबर थ्री पे डिवोनियन, नंबर चार पे सिल्वरियन और पांच पे आर्डोविशियन और लास्ट पे नंबर छह पे कैम्ब्रियन। और पांचवी में प्री पैलियोज़ोइक। सेकंड में कार्बोनिफेरस। सर जोइक का मतलब क्या है? जोइक मतलब वर्ड आ रहा है, ये जोइक मतलब जैसे कल्प से लिया गया है, इरा से लिया गया है, ठीक। कल्प जैसे कल्प है, कल्प को युग में बांटा गया और फिर युग को सर्प में बांटा गया, इस तरीके से। दरअसल ये जो वर्ड्स लिए गए हैं दूसरी जगह के वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, जर्मन वर्ड है, ये सब वर्ड से इसका वो किया है।
समय देख लीजिए 22 से 27 करोड़ वर्ष। फिर 35 35 के बाद 40 40 के बाद 44 44 के बाद 50 फिर 60 प्री पैनियस में कूसा काल भी कहते हैं इसको। कहीं कहीं इसके दो भी भाग हैं, पहला एक पार्ट कर दिए गए प्री पैनियोज़ोइक और इसी में बी करके दे दिया गया एज़ोइक। इसमें प्री पैनियोज़ोइक में प्री कैम्ब्रियन जहां से आपको जानना है, सेवेंटी करोड़। अगर इसको लेते हैं जोइक तो आर्किया है, कैसे हुआ। पहले सबसे कल्प है ये जो ज्यादातर जर्मन और फ्रेंच छोड़ लिए गए उसका युग योग है, ये आपको उसी जो है पैरल चतुर्था के तृतीय सेकेंडरी प्राइमरी ये आपको जो है हिपो युग में किया गया है। फिर इसके बाद उसको पीरियड्स में बांटा गया है, सक में बांटा गया है और फिर उसके प्रारंभ होने का वर्ष कब वो प्रारंभ। फिर इसके बाद आगे इसमें बताएंगे कौन सी इवेंट्स कौन है जो आपको जानना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ईयर आपसे नहीं पूछे जाएंगे कब कौन सा ईयर प्रारंभ हुआ, मेन ये पूछा जाएगा कि एक तो इनका क्रम पूछा जा सकता है, ये बहुत आता है, कहेंगे योशिन ओलिगोशिन बायोशिन प्लाइशिन को एक क्रम में आरंभ। और दूसरा फिर कौन सी एक्टिविटीज कब हुई, तो ये ज़्यादा जानना जरूरी रहता है। कभी ये नहीं पूछा जाता है कि होलोसीन प्लेस्टोसीन कब प्रारंभ हुआ, या इनको पूछ सकते हैं कि इनका क्रम बताइए, ये क्रम आपको जानना रहेगा। ठीक, कौन किसके अंतर्गत आता है ये भी जानना रहेगा, जैसे क्वार्टरनरी में कौन आते हैं, टर्शियरी में कौन आते हैं, सेकेंडरी में कौन आते हैं, प्राथमिक में कौन आते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। तो फिर से एक बार सुन लें, नियोजोइक पहला है, नियोजोइक जिसमें क्वार्टरनरी चतुर्थक में इसके दो भाग है होलोशीन और प्लेस्टोसीन, जिनका प्रारंभ होने के समय 10,000 पूर्व और 10,00,000 पूर्व। सेनोजोइक या इसको कैनोजोनिक भी बोलते हैं, सेनोजोइक और कैनोजोनिक जोइक। इसको टर्शियरी पीरियड तृतीय युग कहा गया है, इसके चार भाग हैं प्लायोशीन मायोशीन ओलिगोशीन और ईओशीन, जिनका समय 1.1 करोड़ वर्ष, 2.5, 4.0 और 7.0। फिर है मेसोजोइक जिसको सेकेंडरी एज कहा गया है, इसके भी तीन भाग हैं, क्रिटेशियस जिसका 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ, दूसरा जुरैसिक जो 18 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ, तीसरा ट्रैसिक जो 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व। पैलियोज़ोइक प्राथमिक, इसके छह भाग हैं, परमियन और कार्बोनिफेरस, डिवोनियन सिलूरियन और आर्डोवेशियन कैम्ब्रियन। परमियन का समय शुरू होने का 27 करोड़ वर्ष, कार्बोनिफेरस 35, डिवोनियन 40, सिलूरियन 44, आर्डोवेशियन 50,
कैम्ब्रियन 60 और प्री कैम्ब्रियन 70 करोड़ वर्ष पूर्व जो हम प्री पैलियोजोइक कहते हैं, पैलियोजोइक के पहले का समय, उसको भी कहीं कहीं दो भाग मिलते हैं, एक पैलियोजोइक और प्री एजोइक आदि का, जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। प्री कैम्ब्रियन 70 करोड़ वर्ष और आर्कियन 80 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक, आपने समय बना लिया। आप जो है उसके बारे में जानेंगे कौन सी घटना क्या होगी, तो प्राचीन समय से ही चलेंगे। ठीक, इसीलिए पहले हमने आपको टेबल मनवा दी कौन सी इवेंट से, वो यहाँ से हम शुरू करेंगे। ठीक, प्री कैम्ब्रियन पीरियड से हमने बताया भी था, जो भी आपको ओरिजिन आपको कॉन्टिनेंट वगैरह बताया था, तो यही से पहले बताया था। इसके पहले जो है पृथ्वी तप्त अवस्था में थी और गैसियस स्टेज में थी, फिर वो जब शीतल हुई तो शीतल होने के बाद जो है उसने अपना वास्तविक रूप जो आज हम लोग देख रहे हैं उस वास्तविक रूप को लेना प्रारंभ। तो सबसे पहले है आपका प्री कैम्ब्रियन ऊषा का। ठीक, आर्कियन इसके पहले की जानकारी हमें नहीं है। तो प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन में क्या हुआ, प्री कैम्ब्रियन में सबसे पहले हमारी ऊपर पट्टी का निर्माण हुआ जो हमारी अर्थ पृष्ठ है, क्योंकि हमने आपको बताया था कॉन्टिनेंट्स के भी बारे में बताया था कि पहले सब जो है पूरे जो लैंड मास थे वो एक थे, जिनका नाम क्या था, पैंजिया, और उसके चारों तरफ जो है जल था, वाटर ही वाटर था, जिसे हम लोग ने क्या कहा था, पैंथालसा। तो कॉन्टिनेंट भी जो देख रहे हैं आप, महाद्वीप देख रहे हैं, उसका ऊपरी भाग सब क्या है, ऊपर पट्टी ही अर्थ पृष्ठ है। तो पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की गहराई तक को हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, भूपरपटी कहते हैं। डिटेल में पढ़ाएंगे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ सर्फेस पढ़ाएंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाएंगे, तब आप आपको क्रस्ट, मेंटल और कोर तीनों के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो क्रस्ट जो है वो इस समय बनना आरंभ हुई, यानी कि पृथ्वी की भूपरपटी का निर्माण जो है हुआ। तो भूपरपटी का निर्माण या इसी को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। देखिए इवेंट्स तो बहुत सारी हुई, लेकिन हमको जो सबसे डिफरेंट है और सबसे स्पेशल है उसके बारे में हम आपको कोई बताएंगे नहीं। तो इवेंट्स तो बहुत सारी हुई है जो एग्जाम में पूछा जाता है। भूपरपटी का निर्माण हुआ और इसी समय जो है जो हमारा पैंजिया था उसका निर्माण, वेगनर की ओर से, वेगनर ने नाम दिया था पैंजिया का। भूपरपटी क्रस्ट का निर्माण और पैंजिया का निर्माण हुआ, और वास्तव में इस समय कोई बहुत जीवों के उपस्थित होने के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, संभावना केवल व्यक्त की जाती है कि इस समय गर्म सागरों में जो हमारे वार मोशंस थे, गर्म सागर थे, उसमें नर्म त्वचा रीढ़ विहीन जीवों का जन्म हुआ था, यानी कि केवल गर्म सागरों में नर्म त्वचा वाले रीढ़ विहीन जो जीव थे उनका विकास हुआ था, ये माना जाता है, वो भी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो निश्चित रूप से जीवों का विकास हुआ था कि नहीं हुआ था, इस बारे में कोई जो है साक्ष्य ऐसे नहीं है, लेकिन संभावना ये व्यक्त की जाती है कि उस समय गर्म सागरों में नर्म त्वचा वाले रीढ़ विहीन संभवतः गर्म सागरों में रीढ़ विहीन ठीक जीवों का विकास हुआ था, और समुद्र में वनस्पति के नाम पर केवल जो है सागरी घास, इतनी ये इवेंट्स हुए। एक तो भूपरपटी का निर्माण आपको याद रखना है, पैंजिया का निर्माण याद रखना है, और इसी समय जो है साच तो ऐसे कोई नहीं दिखे, लेकिन संभावना व्यक्त की जाती है कि गर्म सागरों में जो है नर्म त्वचा वाले जो है रीढ़ विहीन जीवों का विकास हुआ, और वनस्पति के नाम पर केवल सागरी क्षेत्रों में जो घास होती है वो उस ठीक। तो ये था हमारा प्री पैलियोज़ोइक। आप फिर आते हैं कि कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन में संभावना
डिटेक्ट की जा रहे थे प्री कैम्ब्रियन में, लेकिन कैम्ब्रियन एज में यह हुआ कि जो है इसके साक्ष मिलने लगे कि रीढ़ विहीन जीवों का विकास था। रीढ़ विहीन जीवों का विकास। फिर आगे आर्डोविशियस 50 करोड़ वर्ष पूर्व जब आए तो यहां से पर्वत निर्माण की प्रक्रिया जो है आरंभ। इसी समय से पर्वत निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई, जो प्रोसेस था वो इसी समय से शुरू हुआ, पर्वत निर्माण प्रक्रिया का आरंभ। बिगिनिंग ऑफ द माउंटेन प्रोसेस, पर्वत जो थे उनके निर्माण की प्रक्रिया हमारी शुरू हुई, ठीक। और इसी समय ऑपलेशियन पर्वत का भी आरंभ, ऑपलेशियन फिर इसके बाद सिलूरियन टाइम आया। सिलूरियन टाइम में जो है स्थल पर जो है वनस्पति पाई गई और प्रवाल में कोरल, जो हमारे प्रवाल है कोरल है, उनका विकास शुरू हुआ स्थल पर। अभी तो इसके पहले आप देखें कि वनस्पति जो है केवल सागर में वो भी घास के रूप में पाए जाते थे, फिर स्थल पर वनस्पतियों का। स्थल पर वनस्पतियों का विकास और प्रवाल का विकास हुआ जो हमारे कोरल से। फिर ड्यूवोनियन पीरियड आया से मत्स्य युग भी कहा जाता है, फिश एज भी कहा जाता है, जो मछलियों का विकास हुआ। मत्स्य अभी बताएंगे आपको, कोरल्स का पूरा चैप्टर। कोरल्स जो होते हैं वो जहाँ पे कैल्शियम मात्रा चूना पत्थर में होते, जैसे जीव जंतु होते हैं वो अपनी कॉलोनी बना लेते हैं एक के ऊपर एक, जैसे चूनों पर डिपेंड रहते हैं। ये जो है सागर पर पाए जाते हैं, जो सागरी क्षेत्र होता है तो वहाँ पर ये एक समझ लीजिए कि एक समुद्री जीव होते हैं, छोटे छोटे एकदम होते हैं, इसी चूने को खाकर रहते हैं और जब मरते जाते हैं तो वहीं पर अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, तो इनसे इसका विकास होता है। कोरल और कोरल रीफ्स वगैरह पूरा एक चैप्टर है, हम आगे आपको बताएंगे। प्रवाल और प्रवाल भित्ति, हाँ अलग अलग है, प्रवाल से ही प्रवाल भित्ति अलग बनती है, प्रवालों के द्वारा ही प्रवाल भित्ति बनाई जाती है, जिससे हम लोग जो है आगे बताएंगे। कोरल रीफ पहले तो प्रवाल होंगे तभी तो प्रवाल भी बने, क्योंकि उनके आकार के अनुसार कह दिया गया, जिसे बनाने के आधार पर कह दिया गया। तो इस तरीके से कोरल्स का पूरा एक चैप्टर है, आगे मुझे वो उसमें ग्राफी पढ़ानी तो आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे कोरल का विकास होता है। सब जगह कोरल्स का विकास भी नहीं हो सकता, गर्म सागरों में कोरल का विकास होता है। एक ये मत्स्य युग कहलाता है, जहाँ पर क्या कहते हैं फिशेस कहलाता है, ड्यूवोनियन पीरियड। फिर है आपका कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस की बहुत विशेषता ये आता है, इंपॉर्टेंट है आपका कोयले का निर्माण। एक कार्बोनिफेरस कोयले का निर्माण और साथ ही रेगने वाले जो जीव थे उनका भी विकास हुआ, रेप्टाइल्स से बोलते हैं।
इसने उभयचर जो एम्फीबिया ने उभयचर प्राणियों का भी विकास ये इम्पॉर्टेंट सबसे ज्यादा अभी तक जो आपने पढ़ा ये आता है कोयले का निर्माण ऐसा होता है यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हाँ पढ़ेगा आपने अभी इस सब चीजों का यूज किया है टर्शियरी पीरियड का यूज आगे करेंगे लेकिन क्या क्या विशेषता है जैसे एग्जाम में आता है इसलिए हम आपको इसको बता दे रहे हैं कि आपके दिमाग एक बार बैठ जाए यदि ये प्लिस्टोसीन होलोसीन ये यहाँ से तो हर बार आपको उपयोग किया जाएगा जितना आप ऊपर देख रहे हैं इन सब चीज़ों को आपको जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी अभी आप इसका ज्योग्राफी तो शुरुआत की है जब आप पूरी पढ़ेंगे तो ये सब का उसका उपयोग होगा तो इसीलिए इसको जानना जरूरी है। अब इसमें जो परमियन कालीन इसमें तीनों जो है उभयचर जीव जो है आपके उभयचर जीव रेंगने वाले जीव और मछलियों ये सब की अधिकता है। उभयचर जीव रेंगने वाले जीव और मछलियों का एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स और फिश ये तीनों जो है इस समय जुरैसिक की जो विशेषता है इसमें प्रथम स्तनधारी का विकास हुआ प्रथम स्तनधारी जीव जो था और साथ ही से रेंगने वाले जीवों का युग भी कहा जाता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जुरैसिक जुरैसिक आप बहुत जानते हैं बहुत फेमस है इसमें क्या है डायनासोर की अधिकता रही डायनासोर का युग कहा जाता है और इसमें प्रथम पक्षी जो आर्कियोटोरिक्स का नाम आपने सुना होगा उसका उद्भव हुआ एक तो डायनासोर और एक प्रथम पक्षी जीव आर्कियोप्टोरिक्स ये दोनों इंपॉर्टेंट है ये भी हमेशा पूछे जाते हैं। और इसी में जो लास्ट है क्रिटेशियस पीरियड इस समय ज्वालामुखी और पर्वत में पर्वत काल पहले भी हुई पर्वत निर्माण व ज्वालामुखी की क्रिया होगी बहुत जगह मिलता है कि रॉकीज एंडीज जो पर्वत श्रेणियां थी इसी समय से जो इसकी शुरुआत हो गई तो ये क्रिटेशियस पीरियड आपका क्या है इसके बाद जो है आपका प्लियोसीन पीरियड प्लियोसीन पीरियड में ज्वालामुखी की क्रिया हुई इसी समय प्रायद्वीपीय जो भारत में ज्वालामुखी का उद्गार था वो इसी समय का था ये भी पूछा जाता है।
ज्वालामुखी की क्रिया। इसी समय प्रायद्वीप भारत में भी ज्वालामुखी उद्गार हुआ। और इस समय हिमालय के विकास की प्रक्रिया भी आरंभ हुई, हिमालय का उत्थान जो है शुरुआत हुई। हिमालय के विकास की प्रक्रिया बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालय। ज्वालामुखी की क्रिया भी हुई थी जो यूसीन पीरियड में आता है। यूसीन पीरियड में सबसे ज़्यादा आपको ये जानना है प्रायद्वीपी भारत में ज्वालामुखी का उद्गार और हिमालय के विकास की प्रक्रिया, दोनों चीज़ें आपको जानना है। ओलगोशी में पर्वत निर्माण की प्रक्रिया जो है और तेज हुई। निर्माण की प्रक्रिया तीव्र, साथ ही यहीं पे आल्पस पर्वत के निर्माण की भी प्रक्रिया का आरंभ हुआ। आल्पस पर्वत जो यूरोप में है, आल्पस पर्वत निर्माण प्रक्रिया मावशीन में भी पर्वत निर्माण की प्रक्रिया काफी तीव्र रही और आपके लघु हिमालय का निर्माण हुआ मावशीन, जो आपका लेजर हिमालय है। और प्लायोशीन में आपके शिवालिक श्रेणी का निर्माण, ये आपको याद रखने से प्लायोशीन की और एक विशेषता थी कि जो हम कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस यानी कि महासागर और महाद्वीपों का जो वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं वो इसी समय अस्तित्व में आया था। महासागरों व महाद्वीपों के वर्तमान स्वरूप शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ और साथ ही महासागरों व महाद्वीपों के वर्तमान स्वरूप का विकास हुआ। इसी तरीके से जो हम वनस्पति देख रहे हैं इस पर और सागर में जीव देख रहे हैं उनका भी जो वर्तमान अस्तित्व देख रहे हैं उसका भी प्रारंभ इसी समय से हुआ था, प्लायोसीन पीरियड से। अब जो चतुर्थ युग है न्यूजिक न्यूजोइक और प्लेस्टोसीन 10 लाख वर्ष पूर्व, इसमें आपका प्लेस्टोसीन जो हिम युग के नाम से जाना जाता है महान युग के नाम से जाना जाता है, ग्रेटर आइस एज का। और यूरोप में जो है महान हिम युग में 4 महान हिम युग देखे गए, जो जाने जाते हैं गुंज मंडल है, कहीं मंडल भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है,
और ऋष और पुर। यही कथना में आता है, पूछा जाता है गुंज मिंडल ऋष उर्म को क्रम से आए। और इसी समय हमारे जो पूर्वज मानव कहा जाता है होमो सैपियंस, उसका भी जन्म इसी समय माना जाता है। होमो सैपियंस भी कहीं लिखा हुआ मिलेगा, कहीं होमो सैपियंस भी, आप कंफ्यूज ना होइएगा। होमो सैपियंस सबसे विशेषता थी, महान युग और ये यूरोप जो हिम युग आया उसको गुंज मिंडल ऋष उर्म ये। और इसी के साथ ही हमारे जो पूर्वज है मानव पूर्वज जिसे हम लोग मानते हैं होमो सैपियंस, उसका भी इसी समय जो है अस्तित्व में वो आया। और साथ ही जो संयुक्त राज्य अमेरिका की ग्रेट लेक्स से महान झील है उनका भी निर्माण इस समय, यूएसए की महान झील ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। कौन कौन सी है ग्रेट लेक्स खड़े होकर बताए, महान जो झीलें हैं वो बताए। हाँ बताए, खड़े होकर बताए। मिसिसिपी द रिवर है, हाँ मिशिगन। ठीक है तुमने पढ़ा है लेकिन इसमें ठीक है बैठ जाओ, मालूम है लेकिन अब ये कि एक बार पढ़ने बोल जाए। और किसी को हाँ जो याद हो बताइए। हाँ खड़े पे आप बीच में मत बोलिए, आप अभी खड़े होकर बताइएगा ठीक। जिसको बताना है जैसे आप बीच बीच बोलेंगे फिर डिस्टर्बेंस होता है ना, वो भी नहीं बता पाएगा। हाँ जिसको आता है, इन्होंने एकदम सही बताया, तो इन्होंने एकदम सही बताया, सुपीरियर है मिशिगन। और बताएं अनुराधा तुम बताओ, तुमको तो हमने कई बार बताया क्लास में जो बच्चे पढ़े हैं उनको तो मैंने कई बार बताया, नहीं कॉलेज में खास नहीं। ये सब बच्चे बीए के स्टूडेंट रहे हैं ना, उनका फाइनल ईयर था इस बार। और भी बताए बीए वगैरह में बैठे कई बच्चे बैठे हैं वहाँ के कॉलेज के हमारे, तो देख के बताए ऐसे बताए देखिए घर ठीक। सुपीरियर मिशिगन और इरी है। एक दो और बता ठीक है सुपीरियर मिशिगन यूरन इरी और ये पांच जो है ग्रेट लेक्स है जो प्लेस्टोसीन एज पीरियड में, इनको आपको याद भी रखना है क्योंकि इनका क्रम भी आएगा एग्जाम में पूछा जाता है रीजनल ज्योग्राफी प्रादेशिक। ओंटारियो ये हो गया। अब लास्ट है होलोसीन जो हमारा इस समय चल रहा है, जो पीरियड इस समय चल रहा है वो होलोसीन। तो होलोसीन में जो भी निर्माण प्रक्रियाएं हुई जैसे हमारा हमारे मानव ने कृषि कार्य और पशुपालन कार्य प्रारंभ किया, जो भी चीजें हम बताएं जैसे आपके इस समय जो भी हो रहा है आप जैसे डेल्टा का निर्माण हो रहा है, प्रत्येक दिन नदियां
या सात अवसादों को लाती है और डेल्टा में जमा करती रहती है। ठीक, तो इस तरीके से बहुत सारे कार्य, जैसे खादर है, बांगर खादर आप सुनी होगी सर, एक बार बता दीजिए। बांगर, हाँ अभी बता देंगे, तुरंत बता देंगे। ये चूंकि हम एक साथ लिखना चाह रहे थे, आपको कंपरेटिवली आप इसका अध्ययन कर सकें, इस वजह से हमने इसको इस तरीके से लिखा है, नहीं तो हम अलग अलग ही बता सकते थे। अब जैसे आप एक बार नज़र डालेंगे तो आपको एक बार पूरा दिमाग हो जाएगा, इसलिए हमने इसको किया है इस तरीके से। बाकी में जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी अभी हम बता देंगे सारी चीज़। बांगर कादर भी बता देंगे, बांगर कादर यानी कि 10,000 वर्ष पूर्व से, जैसे हमने आपको बताया था कि जो हमारा नियोलिथिक एज था वहीं से आपको एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन हुआ था, कृषि क्रांति आई थी और कृषि एवं पशुपालन का कार्य शुरू हुआ, कृषि कार्य शुरू हुआ था और पशुपालन का तो मध्य पाषाण काल से ही कार्य शुरू हो गया था। तभी से मानव ने एक तरीके से मानव को, तभी से प्रकृति पर उसने अपना जो है विजय जो है आरंभ, जैसे कहा जाता है कि मानव जो है धीरे धीरे बहुत शक्तिशाली हो गया। पहले तो मानव प्रकृति के अनुसार ही चलता था, जब मानव ने जन्म लिया था तो उसने क्या किया, वो पूरी तरीके से प्रकृति पर ही निर्भर था, प्रकृति के पर्यावरण जो उसकी थी, जो नेचर था, उसी से उसको कंद मूल फल प्राप्त होते थे खाने के लिए, और उसी से वो पेड़ पत्तियों की और पेड़ों की जो छाले होती थी वो उससे अपना तन ढकता था, और पेड़ों की छाले हैं और जो स्टोन्स वगैरह पाए जाते थे, मट्स वगैरह थी, उसी से वो अपनी झोपड़ी का निर्माण करता था। कहीं पेड़ों के नीचे भी रहते थे, कहीं पेड़ों के ऊपर भी रहते थे, जैसी जैसे पिग्मी जनजातियाँ वो पेड़ों पर अपनी झोपड़ियाँ बनाकर रहती हैं। तो किस वजह से, उस प्रकृति के वजह से, क्योंकि वहाँ का जो है परिस्थितियाँ ऐसी थी कि वो पेड़ों पर रहने के लिए मजबूर है पेड़। हाँ तो दोनों बातें बता रहे हैं कि कुछ लोग पेड़ों, हाँ वैसे भी रहते, हाँ वैसे भी रहते थे, अभी हम बता रहे हैं वो भी प्रकृति में ही है, वो प्रकृति से बाहर नहीं है, गड्ढे भी बना के रहते थे, गड्ढे बना के रहने मतलब गुफाओं में रहते थे, गड्ढे में वो जो आपकी वो जनजातियाँ हैं एस्किमो वगैरह वो रहती हैं, गड्ढे में बना के नीचे रहती हैं, क्योंकि वो चाहते हैं जैसे आपने गड्ढा बना दिया और एकदम अपने शरीर को जैसे कुत्ता बैठता है तो एकदम समेट लिया, तो उससे आपको ठंड कम लगती है, ठंड से बचने के लिए ऐसा कर सकते। तो इस तरीके से बहुत, आप ही को जब ठंडी लगती है, मान लीजिए आपके पास चादर नहीं है, साल नहीं है, तो आप क्या करते हैं, सिकुड़ जाते हैं, आप सिकुड़ जाते हैं जिससे कि ठंडी कम लगे। तो इस तरीके से जो भी कार्य करते थे प्रकृति करते थे, लेकिन इसके बावजूद धीरे धीरे वह प्रकृति से ही औजार बनाना सीखा, पत्थर के बनाया, फिर जो है पशुपालन कार्य शुरू किया, फिर जो है उसने एग्रीकल्चर शुरू किया, तब जाके उसने एग्रीकल्चर के साथ ही मानव के जीवन में स्थायी निवास शुरू हुआ, उसका स्थायी आवास शुरू हुआ। इसके पहले का जो आदमी था वो प्रिमिटिव मैन था, आदिम मानव था, या फिजिकल मैन था, भौतिक मानव ही था, क्योंकि वो उसी तरीके से कार्य कर रहा था जैसे अन्य प्राणी कार्य कर रहे थे प्रकृति में, और उसका एकमात्र जो उसकी आवश्यकता थी वो अपनी भूख को शांत करना था। लेकिन जब वो आपस में साथ रहने लगे और जब एग्रीकल्चर हुई, तो एग्रीकल्चर आप जानते हैं उनको उपजाऊ मिट्टी नदियों के किनारे ही मिली, वहाँ से उनको पानी, भाई उनके पास अब इस समय पशु भी हो गए थे, उनको भी पानी की आवश्यकता थी, तो वो सब नदियों के किनारे से उनको जल की जो है पूर्ति हो जाती थी, और जल के किनारे नदियों के किनारे उपजाऊ मिट्टी होने से वहाँ पे स्थायी कृषि का विकास हुआ। जब ये सारी चीज़ें हो गई तो उन्होंने स्थायी रूप से रहना शुरू हुआ, और तभी नदी घाटी सभ्यताओं का हमारे विकास हुआ। जो भी हमारी सभ्यताएँ वो सब कहाँ हैं, नदी घाटियों के किनारे ही है। तो हमारी सभ्यताओं का विकास, चाहे जो आप पढ़िए, दो नील नदी घाटी सभ्यता, सिंधु नदी घाटी सभ्यता, जो भी सभ्यताओं का विकास हुआ वो कहाँ हुआ, नदी। तो फिर इसके बाद धीरे धीरे मानव ने प्रकृति पर अपना नियंत्रण करना शुरू कर दिया, और फिर इसके बाद आज आप देख ही रहे हैं, आज तो मानव जो है बहुत प्रकृति पर अपना नियंत्रण करता रहता है पहले, और उसके हम लोग क्या है उसका जो परिणाम है उसको भी भुगत रहे हैं। बहुत सारे जो आप सुन रहे हैं, पर्यावरणीय प्रदूषण हो रहा है, ठीक, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, ये सब क्या है, ये सब हमारे ही कारण के द्वारा है। आप जानते हैं, सुना भी होगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, अगर हम किसी के साथ जैसे क्रिया करते हैं, जब हम पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, हम पर्यावरण को वो कर उसके उसको जो है
प्रदूषित कर रहे हैं और उसको प्रतिकूल दशा में ले जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से पर्यावरण भी हमारे हमारे साथ व्यवहार कैसा करेगा। वही पर्यावरण हमको स्वच्छ वायु दे रही है, जब हमने उसको प्रदूषित कर दिया तो वही पर्यावरण हमको क्या दे रहा है, आज दूषित वायु दे रही है। मास्क लगाने की जरूरत पड़ रही है बड़े बड़े शहरों में। तो इस तरीके से हम जैसा व्यवहार करते हैं और वैसे ही व्यवहार प्रकृति भी हमारे साथ करती है। तो प्रकृति आज कितनी बड़ी समस्याएँ आप देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएँ, बुजुर्ग डिप्रेशन की समस्याएँ, बहुत सारी समस्याएँ, और इसके लिए बहुत सारे सम्मेलन भी आयोजित किए जाते रहते हैं, लेकिन उसका सही परिणाम नहीं निकल रहा है। क्योंकि हम सम्मेलन तो आयोजित कर लेते हैं लेकिन उस पर जो है नीतियाँ जो बनाते हैं उसको जो है लागू ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब, अगर एक बार आदमी सोच ले कि जिस वजह से पर्यावरण प्रदूषित होता है उस कार्य को केवल हम करना बंद कर दें। एक पक्षी जो प्रथम पक्षी जीव का विकास है, लिखा ना प्रथम पक्षी जीव आर्कियोटोरिक्स उसका नाम आया, आता है ना एग्जाम करके, आप जो हाई स्कूल में पढ़ते रहोगे तब आता है, हाई स्कूल में पूछा जाता है कि प्रथम पक्षी जीव का नाम होता है आर्कियोटोरिक्स। तो इस तरीके से जो है हम पर्यावरण के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसे पर्यावरण हमारे साथ भी व्यवहार करता है। आज हमारे लिए बहुत सारी समस्याएँ हैं, पर्यावरण के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं। हम बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं कि गंगा हमारी गंगा को स्वच्छ करना है, नदियों को स्वच्छ करना है, प्लांटेशन पेड़ बढ़ाने हैं, लेकिन सही मायने में हम केवल कागजों तक ही सीमित हैं और उनका विकास आप देखते हैं हर बार कितना वृक्ष लगाया जाता है लेकिन बढ़त ना के बराबर। तो इस तरीके से हम जिन कारणों से, यानी कि जो हमारी गतिविधियाँ हैं जिन गतिविधियों से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, केवल हम उन गतिविधियों को रोक लें तो हमारा जो है पर्यावरण अपने आप हो जाएगा। अभी आपने लॉकडाउन पीरियड में देखा ही सब लोगों ने कि नदी का जल भी प्रदूषित हो गया था और भी स्वच्छ हो गया था, और दिल्ली जैसे शहर में जो कई सालों से जिन्होंने जो है तारे नहीं देखे थे उनको तारे भी दिखाई पड़े। हाँ वही कह रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब कुछ चीज़ें तो है, कुछ चीज़ों को तो हम समझौता को करना ही पड़ेगा। विकास के साथ हमारा पर्यावरण जरूर विकृत होता है, विकास के साथ हमारा पर्यावरण जरूर विकृत होता है। अगर हम विकास करेंगे तो पर्यावरण जरूर विकृत होता है। तो इस तरीके से पर्यावरण जो विकृत होता है, लेकिन विकास भी करना जरूरी है, लेकिन हमको बीच का रास्ता। अब हम कहावतों में तो बहुत कुछ रहता है, बहुत सारी मतलब आप अगर आप जान लें तो इसमें खाना पीना मुश्किल हो जाए। अगर आप सही ढंग से सोचें, हम जो चीज़ें खाते हैं वो भी शुद्ध नहीं है। जो भी चीज़ें हमको देखने में अच्छी लगती है जैसे फल वगैरह है, आप देखते हैं कि बहुत अच्छे, लेकिन उसमें भी पेस्टिसाइड जो होते हैं उनका यूज किया जाता है, तब वो आपको इतने अच्छे दिखते हैं। तो इस तरीके से हर चीज़ में मतलब आप जान लीजिए कि शरीर को आप अपने शरीर को कितना प्रतिरोधक बना सकते हैं, यही सबसे अच्छा। अगर आप अपने शरीर को प्रतिरोधक बना सकते हैं, जैसे आप लोग आरओ का पानी पीते हैं वो भी सही नहीं, अगर उसका टीडीएस कम हो जाता है, अगर उसका टीडीएस 300 से कम हो जाता है तो फिर उसमें पोषक तत्व तो नहीं रह जाते, वो पानी भी हमको नुकसान करता है हमारे शरीर। हाँ 300 सेट करके जाते हैं शुरू में, फिर इसके बाद धीरे धीरे वो कम हो जाता है 150 हाँ, तो फिर वो बेकार हो जाता है, वो पानी हमारे लिए नहीं रह जाता है। तो इस तरीके हम जो भी चीज़ पढ़ तो रहे आगे, लेकिन साथ ही साथ हम पर्यावरण के बाद हम भी अपने आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, जहाँ पर मानव के जीवन का अस्तित्व जो है स्वयं खतरे में पड़ रहा है। अगर पृथ्वी का अस्तित्व यानी कि हमारे प्रकृति का अस्तित्व खतरे में पड़ेगा तो निश्चित रूप से हम लोग का अस्तित्व भी खतरे में पड़ेगा। पानी पीने के लिए बहुत जगह पे नहीं है, जल का संकट है, लेकिन जहाँ पर जल है वहाँ पानी इतना बर्बाद किया जा रहा है कि आप पूछिए नहीं। तो इस तरीके से मानव जागरूक होते हुए नहीं कर पाता, हमको खुद करना होगा। अगर हम सोचेंगे सरकार करे तो हमको इंडिविजुअल आदमी को करेगा, एक आदमी को देखकर दूसरा। हमने कहीं पर सुना
एक लोगों ने बात किया कि ये काम आप करिए, तो उन्होंने कहा कि भाई और लोग करें तब हम भी करेंगे। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि भाई आप शुरू करिए, जब एक आदमी शुरू करता है तो देख के दूसरे लोग भी करते हैं। तो शुरुआत तो किसी को करनी पड़ेगी। तो जैसे आप इंडिविजुअल अपने आप में सोचते हैं कौन सी चीज़ें अच्छी कौन से नहीं है, अगर हम ये सोचेंगे कि ये बर्बाद कर रहा है पानी तो हम भी करें, तो फिर ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। हम सब लोग ये सोचते रहेंगे, सरकार तो योजनाएँ बनाती रहेगी, अगर सरकारी योजना ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हाँ बता देंगे, आपको बता देंगे ग्लोबल वार्मिंग के जो सम्मेलन जैसे आपके क्वेटो प्रोटोकॉल वगैरह हुआ था, उसमें ब्राजील में तो जो सम्मेलन हुआ था वो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, आज सम्मिट हुआ था सन 1992 में रियो डी जेनेरो सम्मेलन हुआ था। तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड कटौती करेंगे, लेकिन जानते हैं अब ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से गैस कौन सी उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। होता क्या है कि कार्बन जो हमारा वायुमंडल है एटमॉस्फियर है वो उसी तरीके से कार्य करता है जैसे जैसे हमारे ग्लास मतलब कांच आपने देखा होगा। तो वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं और हमने आपको बताया अभी तक कि वायुमंडल जो है एक तरीके से गैसों का ही हमारे मिश्रण है, यानी पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसीय आवरण पाया जाता है वही हमारा वायुमंडल है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की विशेषता ये है कि ये जो सौर ऊर्जा आती है सूर्य की किरणें से जब तरंगे आती हैं तो वो लघु तरंगों के रूप में आती है। ये भी आप जानते हैं कि जो चीज़ जितनी भी तप्त होगी उसकी तरंग उतनी ही लघु होगी। स्टीफंस का नियम आप जानते होंगे कि जो चीज़ जितनी ही गर्म होगी उससे निकलने वाली तरंगे उतनी ही लघु छोटी। तो शॉर्ट वेव्स के रूप में तरंग आती है सूर्य की किरणें, जो सूर्य की किरणें आती हैं तो हमारे वायुमंडल में लघु तरंगों के रूप में प्रवेश करती हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए तो ट्रांसपेरेंट है, मतलब उनको आने देती है पृथ्वी की सतह। फिर इसके बाद जो किरणें आती हैं और वायु पृथ्वी की सतह को गर्म करने के बाद जब पृथ्वी गर्म हो जाती है तो फिर यहाँ से रेडिएशन के थ्रू जिसे हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं पार्थिव विकिरण कहते हैं, अब यहाँ से जो है हमारी तरंगे फिर से वायुमंडल में जाती है जो लॉन्गर वेव्स के रूप में होती है, तीर्थ तरंगे के रूप में, क्योंकि पृथ्वी की सतह का हमारे तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में जो ये तरंगे जाती हैं तो चूंकि तापमान कम है तो रेडियो तरंगे जो हमारी रेडिएशन वेव्स होती हैं विकिरण तरंगे होती हैं वो तीर्थ तरंगों के रूप ऊपर जाती है। और अब यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की परतें होती गैसेस होती हैं ये इसको जो है वायुमंडल यानी कि स्पेस में फिर से जाने नहीं देती है, क्योंकि ये इसके लिए ट्रांसपेरेंट नहीं है। दीर्घ तरंगों के लिए वो जो है उनको जो है मतलब अंतरिक्ष या स्पेस में जाने नहीं देती है। फिर हाँ फिर ये जो है नीचे की ओर आ जाती है, ठीक जो जनरल उसमें बता रहे हैं आपको, तो ये ऊपर की ओर जाएगी और इसके बाद फिर नीचे की ओर आ जाए, यानी कि काउंटर रेडिएशन कर देती है। इसी तरीके से ये हमारा क्या है जो वायुमंडल है जो हमारा इन्वायरमेंट है वो गर्म। सर इसमें ओजोन लेयर का भी कोई रोल है? ओजोन लेयर तो हमारे देखिए अल्ट्रा वायलेट रेज को बताए, अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती है हाँ देखिए जब आपका टास्क आएगा तब सब सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे, अभी चूँकि इतना टाइम नहीं है। आप जो है आपके सम्मेलन के बारे में या तो आप वही चीज़ पढ़ लीजिए, हम उसको आपको एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं उसको बता दें, क्योंकि फिर हम लोग अपने टॉपिक से भटक जाते हैं, जो टॉपिक दिया जाता है वो दोबारा नहीं दिया जाता है। अभी इन्वायरमेंट में ये जो पिछले बार बच्चे आए थे तो पूरे कई दिन मतलब लगभग 20-25 दिन क्लासेस चली थी तो हमने पूरा इन्वायरमेंट डिटेल में पढ़ाया था, तो वो भी टॉपिक आएगा। तो अभी हम आपको जो बताएंगे उस थोड़ा से आपकी उत्सुकता है तो ब्रीफ में बता देते हैं, इसके बाद जो उसके डिटेल में चाहिए तो फिर उसके लिए पूरा आधा एक घंटा 1.5 घंटा चाहिए बताने के लिए, तब आप संतुष्ट हो पाते हैं। क्योंकि आप जब पूछते हैं तो बहुत सारे आपके दिमाग में जो है क्वेरीज भी रहती हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी जिज्ञासाएं भी रहती हैं, तो उसका आंसर देने के लिए या तो पिछला टॉपिक छोड़ दिया जाए, तो ये दोनों चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ जगह आप इस जगह पर चर्चा करेंगे तो हम आपको जो है मतलब ब्रीफ में बता देंगे कि ऐसा ऐसा रहा है, लेकिन डिटेल में जो
एक डेढ़ घंटे का क्लास होता है, वो जब आपका टॉपिक आएगा एनवायरनमेंट, या तो आप हमसे कह दीजिए कि ये ना पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे। हाँ, तो मैंने मेन बात होती है कि आप जानते हैं सिलेबस कहाँ से डिसाइड होता है, फिर वो दोबारा पढ़ाने के लिए नहीं मिलता। तो आपने चूँकि ग्लोबल वार्मिंग जैसे आपने ओजोन डिप्लेशन चर्चा की, अब ओजोन डिप्लेशन पूरा एक लेक्चर है, लेकिन अब हम आपने चर्चा कर दी तो आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए थोड़ा से ब्रीफ में आपको बता देते हैं कि ये चीज़ है। जैसे ओजोन डिप्लेशन के लिए तो आपको मालूम क्या है कि ओजोन पेड़ों को जो ओजोन जो है अल्ट्रावायलेट है, जो हमारी पराबैंगनी किरणें आती हैं सूर्य की किरणें, उनको वो रोकती हैं। तो उनको जब अल्ट्रावायलेट रेज जो है हमारी, चूँकि उससे भी जो होती है वो स्किन कैंसर के लिए, मतलब मानव के लिए वो खातर है। तो ये जो ओजोन है, जैसे ओजोन का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी क्लोरीन गैस मुख्य रूप से उसके लिए उत्तरदायी है। तो वो उस क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है वो ओजोन का क्या करती है, क्षरण करती है। क्षरण मतलब ऐसे नहीं कोई छन्नी, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ डेंस है तो आप देखते हैं, जैसे आपने अपने घर में छन्नी देखी या चलनी देखी, तो उस तरीके से हो जाता है, उसकी डेंसिटी वहाँ पर कम हो जाती है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है वहाँ पर, उसका सांद्रण कम हो जाता है। लेकिन अब ओजोन फिर तो ये है कि धीरे धीरे प्रयास किए जा रहे हैं तो ओजोन परत की जो है जो स्थिति है वो सुधर रही है। हाँ, तो इस तरीके से आपके जो है ओजोन डिप्लेशन, जो ओजोन क्षरण होता है वो ये चीज़ है। ये यूरोप का है, यूरोपन लैंग्वेज है, लेकिन चूंकि एग्जाम में आता है तो इसलिए हमको बता दिए। ये हिम युग में, चूंकि महान हिम युग था, एक हिम युग हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, चौथा, तो वो चार हिम युग हुए थे, तो उन्हीं का ये क्रम है। चूंकि एग्जाम में पूछा जाता है तो यूरोप में इस चीज़ को बताया गया कि हिम युग के जो रहे हैं, हिम युग में जो हिम युग रहा है वो महागुंज मंडल विश्वकर्मा है, तो ये उनका क्रम है। आपके एग्जाम में आता है कि इसको क्रम से मिलाइए, जैसे दे दिया जाता है गुंज मंडल विश्व, चारों दे दिए गए, फिर उनको कहेंगे कि आप एक क्रम से उसको अरेंज कीजिए। ठीक, अब अगर आपको इसमें कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो एक चीज़ हम और बताना चाहते हैं, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्टिनेंट, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इससे कॉन्टिनेंट्स पे, फिर इसके बाद जो टॉपिक आपको मिलेगा आप पूछ रहे होमोसेपियंस का निर्माण हुआ है। नहीं, होमोसेपाइस तो आपके बंदर हमारे जो पूर्वज मारे जाते हैं, जो एप लाइक थे, जैसे गिब्बन थे, मतलब ये जो बंदर सदस्य देखते थे उनको माना। जैसे हमने अभी आपको बताया नहीं, यहाँ जैसे प्लायोसीन में ऑस्ट्रेलोपिथेकस का भी हुआ, इसके चार है, जब आप पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी तब फिर उसको बताएंगे कि मानव का उद्भव एवं विकास कैसे, उसकी चार स्टेजेस हैं। ये सबसे लास्ट में जो है ये आपके बनते हैं, ये आपको होमोसेपाइंस जिसे पूर्वज कहते हैं, जो आता है एग्जाम में हमने ये पूछा जाता है कि होमोसेपाइंस या होमोसेपियंस का जो है किस युग में, किस पीरियड में जो है इसका उद्भव हुआ, तो प्लिस्टोसीन पीरियड आपको लगाना। आया एग्जाम में एक बार PGT में भी पूछा गया था, PCS में भी पूछा गया था। तो जो एग्ज़ाम में यहाँ पर हमने वो चीज़ें बताई है तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ना आप अपना याद कर पाएंगे और ना ही जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, जो जिसे डायनासोर का आता है, ठीक, ये आपको होमोसेपाइंस का आता है, शिवालिक ये तो आता ही है, ये तो इसका क्रम भी पूछा जाता है, ल्यूसीन ऑलियोसीन मायोसीन प्लायोसीन का क्रम भी पूछा जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक, और आपको किस पीरियड में हुए, टर्सरी पीरियड में हुए, ये भी आपको याद रखना है, इसलिए पूछा जाता है कि जो मोड़दार पर्वत है, बलिकदार पर्वत है, इनका निर्माण किस युग में हुआ, तो आपको टर्सरी युग में लगाना होगा। इसी तरीके से इनका क्रम पूछा जाता है, जो जिससे पूछा जाता है वो हमने आपको बताया। और वो जो आप मानव के विश्वास की बात करें, फिर वो जब मानव को विकास बताएंगे तब उसका 20 लाख वर्ष पूर्व से शुरुआत होती है, कि जब मानव शुरुआत होता है तो पहले एकदम बंदर सदस्य पाए था, गोरिल्ला है और जो हमने बताया गिब्बन है, ये सब उसके थे, फिर इसके बाद धीरे 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 ये लास्ट स्टेज है होमो सेपियंस की, जो 60,000 वर्ष पूर्व में है, 60,000 वर्ष
पूर्व में क्या कहते हैं इस तरीके का मानव बना जिसे हम अपना पूर्वज मानते हैं। तो वो जब आएगा तो हम आपको पढ़ाएंगे डिटेल कि मानव का उद्भव एवं विकास कैसे। ठीक, तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँ, टॉपिक ओवर है, फिर मैं खत्म कर दूँ जिससे ये चीज़ें खत्म। अगर अभी आपको पूछ रहा हो तो नहीं तो फिर हम इसको बताने जा रहे हैं। ये जो आदि कल्प है हमने बताया कि इसके विषय में जानकारी नहीं। जब आप यही सुनिए, यही पहले कह दिया गया था कि जीवों के बारे में, जीवों का विकास हुआ था कि नहीं हुआ था, इसके बारे में जानकारी जो आपको बुक में मिलता है वो यहीं से मिलता है। ये खाली आपको मेन मेन चीज़ें याद रखना है, खासतौर से ये पीरियड बहुत याद रखना है, और ये दो तो बहुत आपको कायदे से याद रखना है, जुरासिक डायनासोर याद रखना है, ठीक, और कोयले का निर्माण कार्बोनिफेरस आपको याद रखना है, इन चीज़ों का निर्माण कब हुआ ये याद। खादर पांगर तो बाद में बता, हम अभी बता देते हैं, आप कई बार पूछ चुके हैं, आइए बता देते हैं। खादर पांगर बताते हैं और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बताते हैं। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में बताना कोई खास नहीं है, क्योंकि ये कॉमन कहा गया है, वो तो जब हम हर चीज़ आपको पढ़ाएंगे, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाएंगे इंडिया की, तब आपको उसमें जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आप इंडिया बताएंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, लेकिन एक क्या उसके अंतर्गत होता है ये केवल हम आपको बताएंगे कि उसमें किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है वो बात, क्योंकि ऐसे तो बहुत कॉन्टिनेंट्स तो बहुत सारे हैं। एक जनरल जो इंट्रोडक्शन है वो हम आपको पांगर खादर हम आपको बता, कोई नदी बह रही है, रिवर है, पर्वतों से जो है निकलती है, आप जानते हैं ग्लेशियर ड्रेन का स्रोत होता है, सदावाहिनी जो नदियाँ होती हैं, बरसाती नदियाँ जो होती हैं समय के अनुसार वो जो है जैसे बारिश में रहती हैं, तो जो हमारे उत्तरी भारत की नदियाँ हैं वो सब क्या हैं, सदावाहिनी नदियाँ, पेरिनियल रिवर है। अब ये नदियाँ जो होती हैं जब इससे बाढ़ आती है, तो मान लीजिए कि बहुत पहले बाढ़ यहाँ तक, यहाँ तक पहुँच जाती थी बाढ़ का पानी जब पहुँच जाता है, बाढ़ आप जानते हैं कि जब नदी का जल अपने तटबंधों को पार करके फैल जाता है तो सब बाढ़, बाढ़ क्या होता है फ्लड जिसे आप बोलते हैं, और यही जब इतनी अधिक मात्रा में हो जाए कि ये जो है अपार जन और धन की हानि, तो उसको हम आपदा भी कहते हैं, बाढ़ में क्या कैलमिटी। लेकिन जो बाढ़ केवल बाढ़ सब जो है वो जब नदियों का पानी, ये नदी में पानी बह रहा है इधर में, ठीक, पानी के इस डायरेक्शन में पानी जा रहा है, तो ये तटबंध है इसके जो इसको वो क्रॉस करके जब फैल जाता है दोनों तरफ तो उसे बाढ़ कहते हैं। अब ये बाढ़ के समय जब पानी जाएगा तो उसके साथ पोषक तत्व या सेडिमेंट्स जो हमारे अवसाद होते हैं वो भी जाते हैं, अब यहाँ तक पानी आता है, ठीक, मान लीजिए सन 2000 की बात है, यहाँ तक आता है। अब यहाँ जब आया तो ये जो अपने साथ अवसाद लाया, जब बाढ़ तो आते तब पानी का वेग तेज रहता है, और जब बाढ़ धीरे धीरे पानी वापस जाता है तो बहुत मंद गति से जाता है, तो ये अपने साथ क्या करते हैं अवसादों को यहीं पर छोड़ देते हैं, लाए गए अवसादों को छोड़ देते हैं। अब 2000 में यहाँ तक पानी आता था, लेकिन 2020 में अब कहाँ आता है, यहीं तक केवल आता है। अब
अभी आपने 2020 और 21 में देखा, यहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी यहाँ तक आता है और अपने साथ अवसादों को जो है लाता है और यहीं पर जमा कर देता है। जब बाढ़ का पानी यानी बाढ़ का पानी कम होने लगता है तो यहाँ पर अवसाद रुक जाते हैं। तो जो अवसाद पहले लाए गए थे नदियों के द्वारा, लेकिन वर्तमान समय में वहाँ पर जो है पानी अब नहीं पहुँच, तो उसको हम क्या कहते हैं, बांगर। और जहाँ पर प्रत्येक वर्ष जो नदियों के द्वारा नए जलोढ़ लाए जाते हैं, न्यू एल्यूवियम लाए जाते हैं, नए जलोढ़ लाए जाते हैं, ये पुराने जलोढ़ हैं। कैसे जलोढ़ हैं? पुराने जलोढ़ हैं, ओल्ड एल्यूवियम, यानी कि नदियों के द्वारा जो लाए जाते हैं कण और साफ हो, और ये नए जलोढ़ ये आपके लिए। बस ये फर्क है, इसको हम लोग खादर कहते हैं। मिलाने के लिए आएगा नए जलोड़ के आगे खादर और पुराने जलोड़ के आगे बांध, से कौन सही नहीं है। अब उसमें दे दिया नए जलोड़ और उसके सामने दे दिया बांगर, तो इस तरह का आता है। तो ये है आपका बांगर और खादर, हमें थोड़ी चर्चा करना। इसका हम रीजन जान सकते हैं कि जो 2020 तक आप देखिए बहुत सारी आपकी बरसात भी कम होती है, बहुत सारी हमारी परियोजनाएं विकास मतलब कई फैक्टर्स इसके लिए जो है उत्तरदायी है। उतनी आप बाढ़ में पानी नहीं आता, हम बड़े बड़े जो है हाँ डैम बना रहे हैं, डैम बना के पानियों को रोक रहे हैं, तो इस तरीके से आप उतनी वर्षा की भी हमेशा अनिश्चितता बनी रहती, कभी कभी वर्षा बहुत अधिक होती कभी नहीं होती, तो कई सारे फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नदियों में पानी नहीं आ रहा है, नदियाँ सूखती जा रही, हम नदियों के पानी का दोहन भी बहुत तीव्र गति से कर रहे हैं, भूमिगत जल का भी जो है तीव्र गति से भी दोहन कर रहे हैं। आप नदियों के जल देखिए नदियों में लगा कर और क्या कहते हैं अगर सिंचाई कर रहे हैं, तो नदियों के जल का भी दुरुपयोग हो रहा है और नदियों में जल आ भी नहीं पा रहा है, उधर आप बड़े बड़े बांध भी बना रहे हैं, तो कई फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आप ये देखिए जो अवैध खनन होता है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि नदियों में जो है पानी या नदियों का जल स्तर कम क्यों होता है। सर कोई एग्जाम्पल सुनिए, आप कहीं भी किसी भी नदी पर चले जाइए, यमुना नदी पर चले जाइए, यमुना नदी पर जब जैसे कि यहाँ केन नदी है, हाँ केन नदी पे आप किनारे पे चले जाइए जहाँ जल आता है, जैसे जब पानी की मात्रा ज़्यादा रहे तब आप उसको देख लीजिए, इसके बाद फिर जब दोबारा उस समय देख लीजिए पानी कहाँ तक आया, इसके बाद दोबारा देख लीजिए, तो जहाँ तक बार बार पानी आता है वो आपके नए जलोड़ हो जाएंगे। अब पुराने जलोड़ तो आपको पहले से दिखते हैं कि बहुत दिन तक जो है पानी वहाँ बहुत पहले आया करता था, लेकिन एग्रीकल्चर हो और नए जलोड़ जो होते ज़्यादा उपजाऊ होते हैं पुराने जलोड़ की अपेक्षा, तो जहाँ पर आप जाइए नदियों के किनारे एग्रीकल्चर आपको देखने को मिलेगी, इसीलिए उपजाऊ मिट्टियाँ भी होती हैं। और उस किनारे निकल जाए तो आपको दिखेगा कि यहाँ तक पानी आया था, जहाँ तक जैसे गंगा नदी के किनारे आते वहाँ पर आपको देखेंगे नए जलोड़ आपको दिखाई दे, प्रत्येक वर्ष वहाँ पर बाढ़ आती है। बस इतना ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ष जहाँ तक आते बाढ़ का पानी आता है, और इसके पहले बहुत पहले जो है पानी कहाँ तक आता था अब वहाँ पर नहीं आता, यानी कि
विगत वर्षों में यानी कई वर्ष पहले तो वहाँ पर बाढ़ का जल जो है आता था, लेकिन वर्तमान समय में नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बता रहे हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्टिनेंट। केवल आपको इस पर चर्चा करेंगे, पर्टिकुलर कोई कॉन्टिनेंट की बात नहीं करेंगे ना कोई पर्टिकुलर कंट्री की बात करेंगे। आपको केवल इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ महाद्वीप की भौगोलिक संरचना या कॉन्टिनेंट्स महाद्वीपों की भौगोलिक संरचना। मेन जो हमको ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताना है कि भूगर्भ संरचना क्या है। वास्तव में जो आप पृथ्वी की या किसी भी महाद्वीप की धरातलीय संरचना देखते हैं तो उस पर जो है पृथ्वी के भूगर्भ में जो शैलें पाई जाती हैं उनका भी प्रभाव भूगर्भीय संरचना, यानी कि जो पृथ्वी के भूगर्भ में यानी कि पृथ्वी की सतह के नीचे बहुत सारी जो है आपकी रॉक्स पाई जाती हैं। आप जानते होंगे जब रॉक्स में आपको पढ़ाएंगे तो उसके टाइप्स बताएंगे, तो थ्री टाइप्स की रॉक्स होती है। इग्नियस रॉक्स जिसे आग्नेय शैल कहते हैं, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स अवसादी, और तीसरा मेटामॉर्फिक जिसे रूपांतरित शैलें कहते हैं। तो हमारे प्रति संरचना है, रॉकी संरचना है, वो भी जो है भूगर्भीय जो हमारी शैलें होती हैं जो भूगर्भीय संरचना होती है उससे प्रभावित होती है। तो अगर हम एक मोटे तौर पर देखें तो आपको बहुत सारी जो है ऐसे स्थलखंड दिखाई देते हैं जो प्राचीन, एक तो प्राचीनतम भूखंड, दूसरा आप देखते हैं हमारे जो फलित पर्वत श्रेणियां, आप जब इसमें देखते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के आपको रॉक्स देखने को मिलती है। प्राचीनतम भूखंड अगर देखा जाए आपके पूरे महाद्वीप में तो उत्तर भाग में भी है और दक्षिण भाग में। उत्तर के प्राचीन, उत्तरी भाग के प्राचीनतम भूखंड, और दक्षिणी भाग। प्राचीनतम भूखंड आपका उसी समय आपने जब देखा था कि पैंजिया बना था। देखिए बहुत सारी टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती रहती हैं, जो भूगर्भिक संरचना है वो अपने क्या विवर्तनिक जो गतिविधियों से प्रभावित होती है, जो हमारे टेक्टोनिक फोर्सेस हैं उनसे प्रभावित होती है। बहुत सारे ऐसे भी भाग रहते हैं जो गतिविधियों से प्रभावित नहीं होते हैं, यानी कि जो हलचल हुई तो कोई भाग जो है उससे प्रभावित नहीं होता। तो ये जो मूवमेंट्स होते रहते हैं अर्थ सर्फेस में, जो हमने बताया कि जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं, आंतरिक बल होते हैं, उनसे बहुत सारी पृथ्वी की सतह के अंदर हलचलें होती रहती हैं और उनसे हमारी भूगर्भिक संरचना प्रभावित होती रहती है। तो जो आपको एक जनरल हम बता रहे हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बाकी तो जब किसी कंट्री का पर्टिकुलर पढ़ेंगे
तो उसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। जैसे पूछे से आप भारत की जब भूगर्भिक संरचना पढ़ेंगे तब आपको उसको डिटेल में बताया जाएगा किस किस तरीके की रॉक्स और कैसे जो है उसका उसकी भूगर्भिक संरचना है। तो प्राचीनतम भूखंड जो हमारे प्राचीन समय में, तो जैसे प्राचीन समय में आप देखिए पैंजिया का निर्माण हुआ था, पैंजिया का निर्माण हुआ था विग्नर महोदय ने जिस पैंजिया की बात किया था। अब उसका फिर क्या हुआ, विभाजन हुआ, विघटन हुआ, दो भाग, एक का क्या कहलाया लारेश्य कहलाया और एक गोंडवाना लैंड कहलाया। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये प्राचीनतम भूखंड जो है अभी भी जो है क्या है स्थित है, इनमें टेक्टोनिक एक्टिविटीज का अब उतना प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे लारेशिया है आपके कनाडा में, वो पुरानी शील्ड के रूप में, दक्षिण में आप जाइए जैसे हमारा प्रायद्वीप भारत है वो भी प्राचीनतम भूखंड माना जाता है, ब्राजीलियन हाईलैंड्स है जो ब्राजील का उच्च भाग है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र वो सब क्या है प्राचीनतम भूखंड है। तो ये इस तरीके से अब इनमें क्या है प्राचीनतम भूखंडों में आपको क्या मिलते हैं, नाइस नीस जिसे बोलते हैं, ग्रेनाइट है, तो ये सब जो है शैले पाए जाते हैं। तो ये जो हमारे प्राचीनतम भूखंड है। और दूसरा है जैसे आपका पर्वत श्रेणी है जो माउंटेन सीरीज है। अब देखिए मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक, आप देखिए मेटामॉर्फिक में भी रूप में उनके परिवर्तन हो जाता है, जैसे ग्रेनाइट नीस में परिवर्तित हो जाता है, चूना पत्थर लाइमस्टोन में परिवर्तित हो जाता है। तो ये मेटामॉर्फिक है, पृथ्वी के अंदर जब अधिक ताप और अधिक दाब होता है तो चूना पत्थर क्या होता है जो हमारा जो लाइमस्टोन में चेंज हो, लाइमस्टोन में चेंज हो जाता है, मार्बल में चेंज हो जाता है, संगमरमर में चेंज हो जाता है, अधिक ताप और अधिक यही होती है कायांतरित शैल, वही है कायांतरित शैल मतलब मेटामॉर्फिक रूपांतरित, कायांतरित शैल मीन्स मेटामॉर्फिक शैल रूपांतरित जिनके रूप में परिवर्तन कर दिया जाए, कायांतरित जिनकी काया में परिवर्तन हो जाए, उनका रूप बदल जाए, आकार बदल जाए। ठीक, तो इस तरीके से एक ही चीज है मेटामॉर्फिक बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है ग्रीक वर्ड है मेटामॉर्फो जिसका मतलब है इट चेंज इन द फॉर्म रूप में परिवर्तन, तो रूप में उनके परिवर्तन हो जाता है, काया में उनके परिवर्तन हो जाता है, इसको रूपांतरित किया काया के सबकी आग्ने शैल और अवसादी शैल से बनती है, यानी कि आग्ने शैल परिवर्तित हो जाएगी और अवसादी शैल परिवर्तित हो जाएगी। अब इसी तरीके से पर्वत श्रेणियाँ हैं, पर्वत श्रेणियों में भी बहुत हलचल होती है, खासतौर से टर्शियरी पीरियड में जो हमारे वलित पर्वत बने उनमें क्या कहते हैं इस तरीके से धरातल की संरचना क्या एक अलग रूप से धरातल संरचना पर क्या प्रभाव आपने देखा भूगर्भिक संरचना, यानी कि भूगर्भ की संरचना जिस तरीके से होती है उस तरीके वो प्रभाव डालती है हमारी धरातल की संरचना, कहीं पर आग्नेय शैल आप देख रहे हैं, कहीं पर अवसादी शैल देख रहे हैं, कहीं पर मेटामॉर्फिक रॉक्स देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये शैले ये जो भूगर्भ की संरचना होती है ये हमारी धरातल की संरचना को भी प्रभावित करती है। अब माउंटेन देखिए हिमालय रीजन आपको देखिए, इसके बाद राकी है, एंडीज है, एटलस है, ये सारे पर्वतीय क्षेत्र हैं। भारत में पूरी आपको तीन तरीके के जो फिजियोग्राफिक रीजन दिखाई देते हैं, भौतिक विभाग दिखाई देते हैं आपके, हिमालय रीजन दिखाई देता है आपका और प्लेन रीजन दिखाई देता है और तीनों की अलग अलग भूगर्भी संरचना है, तो वो उनके निर्माण से भी प्रभावित होती है किस काल में किसका निर्माण हुआ, कहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज हुई। जैसे आपने बताया प्रायद्वीपी पठार में ज्वालामुखी की एक्टिविटीज हुई तो वहाँ आपको बेसाल रॉक्स मिलती है। ठीक, तो जिस तरीके से जैसी एक्टिविटीज हमारी टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुई तो वैसे वैसे वो हमारे धरातल की संरचनाओं को भी।
अब अगर आप कुछ पूछ रहे हो पूछ लें, क्योंकि थोड़ा हटके है ज्योग्राफी क्वेश्चन ये आपको ज़्यादा। हाँ बताइए, ये जो आपका ये है ये टॉपिक है जो ये वास्तव में डिटेल में जब आप कोई पर्टिकुलर कंट्री दिया जाए, कोई पर्टिकुलर प्लेस दिया जाए, अब 9:30 बज गए, 9:30 हो गए, फिर कोई वेट करता है नीचे तो फिर अच्छा रहेगा। जो फॉल्ट देखिए जो क्या कहते हैं टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है जिससे हलचलें होती हैं, तो वो हलचलों में जो है मूवमेंट हो जाते हैं, रॉक्स होते हैं वो आपस में हट जाते हैं, एक दूसरे से खिसक जाते हैं, तो उनके द्वारा जो नदियों के मार्ग नहीं होता से अपना मार्ग बदल लेते हैं। नहीं, ये देखिए आप नदियों के मार्ग कई कारण हैं, लेकिन ये जो मेन होती है टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है, अब नदियों के जैसे मार्ग बदल दिया, नदियाँ अपना जा रही हैं वहाँ से भी रास्ता हो गया, तो पासिस हैं कि कहाँ से आपको रास्ता मिल रहा है उसके माध्यम से भी होता है, लेकिन मेन जो होता है टेक्टोनिक एक्टिविटीज से होता है, जैसे हलचले जो होती है, हलचल में कुछ भी हो सकता है, आपके नदियों के मार्ग भी बदल जाते हैं और जो ये रॉक्स होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक भी जाती है इस तरीके से। ठीक है, और पूछना चाहे तो आप पूछ लें, आपको 10 मिनट बता इसको।